दोस्त अभय कुमार एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ अपने एक न्यू वीडियो के साथ। जो मेरा पुराना जितना वीडियो था आपने पसंद किया और बहुत ही अच्छा आपने कमेंट किया कि सर आप नए नए वीडियो बना के लेके आए थे, तो आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जो हमेशा डे टू डे लाइफ में आपको यूजफुल होता है। हम यूज तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो क्या करता है और उसका क्या मीनिंग है। तो हम आज 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 जो हमारा टॉपिक है वो है MSDS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये है मटेरियल, ये है सेफ्टी, ये है डेटा, ये है सिट। मटेरियल, सेफ्टी, डेटा, सिट। दैट मींस जैसे कि हमें कोई बाइक भी खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके बाइक में क्या क्या चीज कैसे कैसे हमको यूज करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारा मैनुअल में लिखा रहता है। सेम चीज एक छोटा से छोटा मोबाइल भी हम खरीदने जाते हैं तो उसके साथ हमें एक बुक प्रोवाइड होता है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि हमें चार्जिंग कब करना है, चार्जिंग कब करना है, ठीक है, कितने टाइम में उसको चार्जिंग रखना है, कैसे उसको यूज करना है, वो सारी चीजें हम, वो सारे जो यूजर मैनुअल होते हैं उसमें लिखा रहता है, उसे हमें किस तरह से उसको सेफली रखना है, कैसे उसको सेफ हैंडलिंग करना है, कैसे उसे हम बचाना है, वो जो मैनुअल लिखा रहता है उसे हम बोलते हैं मटेरियल, सेफ्टी, डेटा, सेट। सेम चीज उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई केमिकल बनता है, तो उसमें मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि कितना मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए, कैसे उसका स्टोरेज होगा, कैसे उसको हैंडल करना है, क्या चीज उसमें मेन जो प्रॉब्लम होता है वो हैजार्ड, क्या हैजार्ड उसमें इन्वॉल्व है, वो जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसमें क्या हैजार्ड है और उन हैजार्ड से हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, अपने जो मटेरियल हैं, उनको सुरक्षित रखना है, वो सारी चीजें, सारे इंफॉर्मेशन वो एक जो सीट होता है उसमें प्रोवाइड होता है। एक चीज और, हर एक मटेरियल का, जितने भी मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनका सेल्फ एक्सपायरी डेट होता है, कोई भी मटेरियल आप ले लें उसका सबका एक सेल्फ एक्सपायरी डेट होता है, चाहे 2 साल हो चाहे 10 साल हो, लेकिन उसका सेल्फ एक्सपायरी डेट होगा। वो सेल्फ एक्सपायरी डेट आपके इस सीट में डिसाइडेड होते हैं, सीट में दिखाया जाता है, लेकिन कोई उसको पढ़ता नहीं है। तो बीइंग एचएससी प्रोफेशनल या आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आप हर चीज का आपको पता होना चाहिए ताकि हम मटेरियल को बर्बाद होने से बचा सके। एक सिंपल चीज, एक मेडिसिन होता है, ठीक है, एक मेडिसिन होता है, कोई भी अगर आप दवा की दुकान पे जाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक्सपायरी डेट। कोई भी मेडिसिन अगर हम लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसका प्रोडक्टिविटी कब हुआ है और एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी डेट क्यों देखते हैं, ताकि हम उसका प्रॉपर जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके उस दवाई का, उस एक्सपायरी डेट के पहले हम यूज कर पाते हैं। या किसी किसी प्रोडक्ट में लिखा रहता है आपको बेस्ट बिफोर यूज। बेस्ट बिफोर यूज दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम से पहले उस प्रोडक्ट का बेस्ट आउटपुट आ सकता है। तो इसीलिए ये सारे चीजें जो है वो उसमें एक जो सीट रहता है उसमें दिखाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मटेरियल, सेफ्टी, डेटा, सीट। दोस्तों मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मेरे जो भी वीडियो आ रहे हैं उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।